नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फैंटेजी उस्ताद 2.0। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिनिंग के बारे में कि दोस्तों हम हमेशा बिनिंग कैसे करें। तो दोस्तों कुछ ट्रिक्स और कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जिनके बारे में विषय में अभी तक मैंने चर्चा नहीं की आप लोगों से, और जो कि मेरा दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 2018 स्टार्ट से मैं ये ड्रीम इलेवन खेल रहा हूँ दोस्तों, लगभग 4 साल हो चुके हैं। और दोस्तों ड्रीम इलेवन नहीं, पूरा फैंटेजी में जितने भी एप्लीकेशन थे सबको मैं ट्राई कर चुका हूँ, और सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो अगर ग्रैंड लीग खेलने के लिए मैं बात करूँ तो ड्रीम इलेवन से बेस्ट और कोई नहीं है। बाकी स्मॉल लीग खेलने के लिए दोस्तों आप कहीं पर भी खेल सकते हैं, बहुत सारे अपने पास ऑप्शन हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो किसी का देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से ही अपनी टीम बना पाएंगे। दोस्तों आज का हमारा मैच है ये वाला, इसको हम ऑलरेडी इसका वीडियो शेयर कर चुके हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे। और दोस्तों कई भाइयों की हमारे यहाँ पे क्यूरी आ रही थी कि दोस्तों कि सचिन भैया हम किस तरीके से टीम बनाएं, किस तरीके से बिनिंग होगी, और पिच रिपोर्ट तो हम देख ही नहीं पाते हैं, हमें मिलती नहीं है, हम कितनी जगह सर्च करते हैं। दोस्तों तो उसी टॉपिक को लेकर मैं कुछ बात करूँगा दोस्तों। दोस्तों जैसे मान लीजिए हम लोग बिनिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बिनिंग करने के लिए ना सबसे पहला थोड़ा सा रिस्क लेना सीखना पड़ेगा हमको, और दूसरी बात दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच खेल रहा है जो अभी चल रहा है, उसमें मान लीजिए दोस्तों पिच रिपोर्ट आपने देख ली, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरनेट पर जाना है और पिच रिपोर्ट देखना है। पिच रिपोर्ट किस तरीके से आप देखोगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे काफ़ी भाइयों को ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि पिच रिपोर्ट हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है सिंपल सा, दोस्तों आप इधर से भी देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों आप डायरेक्ट फैन कोड करके एक एप्लीकेशन है उधर भी जाके दोस्तों आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे फैन कोड की मैं बात कर लेता हूँ। दोस्तों ये फैन कोड है, इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, फैन कोड नाम का एप्लीकेशन है। आप इस पर जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से इसको ओपन करेंगे, और दोस्तों आपको जिस मैच की भी पिच रिपोर्ट देखनी है सो पिच रिपोर्ट आप उधर की देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा फैन कोड ओपन हो गया है दोस्तों, और फैन कोड के ओपन के होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों आप लाइव मैचेस भी देख सकते हैं सारे, तो और यहाँ पे स्कोर वगैरह भी सब चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ BBL की। यहाँ पे देखो दोस्तों सारे डिटेल यहाँ पे दी गई है दोस्तों सारे मैचेस की। तो अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक छोटी सी, हमारा जो अभी कल अभी मैच स्टार्ट, सो गाइस 1:30 बजे से जो हमारा मैच स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ शेड्यूल में जाके टुडे के हमारे जो आज के मैच हैं BBL की, दोस्तों ये वाला मैच है, इसको मैंने क्लिक कर दिया इस पर। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको देख लीजिए दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पे दी आपको मिल जाएंगी टोटल। अब हमें सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखना है, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ से पिच रिपोर्ट देख सकते हैं दोस्तों, ये लिखा ना डिटेल, इधर इस पर क्लिक करेंगे हम दोस्तों, और इधर हम पिच रिपोर्ट देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अब पिच रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं सिंपल सा, इस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये मैच खेला जाएगा, और दोस्तों पिच बिहेवियर की अगर हम बात करें तो बेस ऑन लास्ट 2 ईयर डेटा की यहाँ पे ये बात कर रहा है, तो बैटिंग ओवरऑल बेस्ट स्क्वायर फॉर पेसर्स के लिए काफ़ी मदद करेगी, और बैटिंग फ्रेंडली और पेसर्स फ्रेंडली है पिच है। तो दोस्तों सिंपल सा हमें करना क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए दोस्तों दोनों चीज़ें दोनों का 60% है, पहले टॉस बैटिंग जो करता है वो और जो बाद में करता है, दोनों का 60% दिख रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों को जिसकी इन्फॉर्मेशन है 1978 में ये फर्स्ट क्रिकेट मैच यहाँ पे स्टार्ट में खेला गया था दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग टू पिच रिपोर्ट। अब दोस्तों पिच रिपोर्ट में हमें करना क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पेसर्स यहाँ पे चल रहे हैं और बैटिंग, तो दोस्तों हमें जो अपनी टीम बनानी है वो टीम हमें कुछ इस तरीके से रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि दोस्तों पेसर्स फ्रेंडली है। तो दोस्तों सब लोग क्या करेंगे, जैसे सब लोगों की इन द सेंस मैं बात करूँ जो हमारे भाई लोग खेलते हैं, दोस्तों मैं बहुत दिन से खेल रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको इस चीज़ को कंफर्म करके बता रहा हूँ कि सब लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन परसेंट देखेंगे सर। मान लीजिए ये देखा और ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, तो इस तरीके से दोस्तों सिलेक्शन परसेंट यहाँ पर लोग देखेंगे। बट दोस्तों अपन को क्या करना है, हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सब लोग देखेंगे सिलेक्शन परसेंटेज, ठीक है। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला कि हम पेसर्स फ्रेंडली पिच है, ठीक है, तो हम यहाँ पे दोस्तों
मेथी शॉट पे रिक्स ले सकते हैं और डैन किशन पे रिक्स ले सकते हैं, दोनों को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर दोस्तों सारे पेसर्स हम भर लेंगे। ये दोस्तों हम सिर्फ ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में यूज़ करेंगे, जहाँ पे ये हेड टू हेड में हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की जो टीमें होती हैं वो आपको भी पता है रिस्की रहती हैं, तो हम ग्रैंड लीग में इसको यूज़ नहीं करेंगे। सॉरी, स्मॉल हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में हम अलग टीम बनाएंगे जो कि हमारी सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से ही होगी, और मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम पोस्ट करूँगा। तो दोस्तों हमें सिंपल सा करना क्या है, हम जैसे मान लीजिए हमें इसमें फवाद अहमद को ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों सब लोग पेसर्स के साथ जा रहे हैं, ये डी ओवरऑल खेलेंगे तो इनको ले लेंगे, इनको लेंगे दोस्तों बेस ओवर खेलेंगे तो इनको जरूर हम पिक करेंगे अपनी टीम। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी टीम हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहें तो एलेक्स कैरी के साथ भी आप रिक्स ले सकते हैं दोस्तों, तो एलेक्स कैरी को भी आप दोस्तों यहाँ पर हटा के यहाँ पर आप इनका इसको एस्ट्रोन इसको ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी टीम हो जाएगी, जो कि पेसर्स बेस और दोस्तों बैटिंग बेस हमारी पिच है। ये देखिए अच्छे अच्छे बैटर हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ये दोस्तों अगर चल जाएंगे तो अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे खड़ा करके देंगे। दोस्तों पेसर्स फ्रेंडली पिच है तो हम लोगों को विकेट भी यहाँ पे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों अब करना क्या है, सिंपल सा, अब हमें टीम में एक तो हमने सबसे पहले पिच रिपोर्ट देख ली कि हमें भाई पिच रिपोर्ट कुछ इस तरीके से हम देखेंगे, और पिच रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग इस तरीके की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए। दोस्तों अगर एक स्मॉल लीग और एक ग्रैंड लीग भी आप लोग जीत रहे हो महीने में, तो दोस्तों आपका पूरा लॉस भी कवर हो जाएगा और आप अच्छी खासी विनिंग भी कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो टीमें बनाई हुई हैं, जो कि एक मेरी ग्रैंड लीग की और एक स्मॉल लीग की टीम है। दोस्तों जो फर्स्ट वाली टीम है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने छोटे छोटे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रखे हैं, और दोस्तों जो हमारी सेकंड फर्स्ट वाली टीम है उसमें मैंने ग्रैंड लीग ज्वाइन की है, और सेकंड वाली से मैंने छोटे छोटे कॉन्टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं दोस्तों। दोस्तों कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेकंड, दोस्तों सेकंड थिंग हमारी ये हो सकती है मैच के हिसाब से कि दोस्तों हम थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे, मैच का रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि मान लीजिए हम देखेंगे सबसे पहले तो सबसे पहला तो हमारा पिच रिपोर्ट हो गया। सेकंड थिंग दोस्तों हमको देखना पड़ेगा कि गाइस कैसी ग्राउंड कैसा है, किस तरफ ग्राउंड छोटा है, किस तरफ ग्राउंड बड़ा है। साथ ही साथ हमें दोस्तों एक चीज़ पर जो ध्यान रखना है वो ये है दोस्तों कि हम लोगों को बैट्समैन देखने के राइट हैंडेड बैट्समैन कितने हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कितने हैं अपोजिट टीम में, और सामने वाली डिफेंड दोनों टीमों में हमें देखना है कि राइट हैंडर और बैट्समैन और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन कैसे हैं उनके। मान लीजिए दोस्तों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, तो दोस्तों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन अच्छे मान लीजिए रन मार गया तो इसको आउट कौन करेगा, पेसर्स ने मान लो इसको आउट नहीं कर पाया शुरू में, तो दोस्तों इनको आउट कौन करेगा, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज, जो कि जिसकी गेंद दोस्तों अंदर बाहर गिरने के बाद अंदर आती है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज उसको हम बोलते हैं, ऑफ ब्रेक पे उसका जैसे मोइन अली हो गया हमारा दोस्तों। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो कि हमारे लेग स्पिन गेंदबाज रहते हैं जैसे राशिद खान हो गया, युजवेंद्र चहल हो गया, दोस्तों इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कोई भी बैट्समैन खेले, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों कोई भी बैट्समैन खेले, ये लोग अंदर भी बॉल लेके आते हैं और बाहर भी बॉल लेके जाते हैं। तो ये अगर इस टाइप के दोस्तों कुछ खेल रहे हैं लेग स्पिन तो उनको टीम में हम जरूर रखेंगे, क्योंकि वो हमारी रखना हमारी मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि वो विकेट जरूर लेंगे दोस्तों टीम में, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों जैसे राइट हैंडेड बैट्समैन है तो दोस्तों उसको आउट कौन करेगा, या तो उसको करेगा फास्ट बॉलर आउट, या तो उसको करेगा दोस्तों लेग स्पिनर आउट, ऑफ ब्रेक गेंदबाज उसको आउट नहीं कर पाएगा दोस्तों, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि ऑफ ब्रेक गेंद उसको गेंदबाज उसको आउट कर सके। सो दोस्तों अब दोस्तों थर्ड थिंग की मैं बात करूँ तो थर्ड थिंग दोस्तों जो रहता है वो थोड़ा वेदर रिपोर्ट को भी हमें देखना पड़ता है दोस्तों। वेदर रिपोर्ट भी हमें देखनी है कि किस तरीके से वेदर है दोस्तों आज, मतलब वेदर रिपोर्ट में हम सिंपल सा ये देखेंगे कि पिच में कितनी नमी है दोस्तों। अगर मान लीजिए पिच गीली है, पिच में ज़्यादा नमी है, तो दोस्तों वैसे ही कैप्टन स्पिनर्स से गेंदबाजी नहीं कराएगा, सो हम अपनी टीम में स्पिनर्स को नहीं रखेंगे, हम दोस्तों उन ऐसे ऑलराउंडर्स को और बॉलर्स को पिक करेंगे अपनी टीम में जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हो। सो दोस्तों डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के दो फायदे रहते हैं कि एक तो दोस्तों जो डेथ ओवर का बॉलर रहता है उसको चार के चार ओवर मिल जाते हैं पूरे, और सेकंड थिंग दोस्तों जो रहती है डेथ ओवर गेंदबाज की, दोस्तों सेकंड थिंग ये रहती है डेथ ओवर गेंदबाज की कि जो उनको टोटल उनका जो रहता है फैंटेसी पॉइंट दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, बिकॉज दोस्तों लास्ट में गेंदबाजी करेंगे और लास्ट में गेंदबाजी कर रहे हैं तो सामने वाली टीम का जो भी बैट्समैन खेल रहा होगा वो सिर्फ मारने को देखता है कि भाई हमें तो अब लास्ट में लास्ट चल रहा है दोस्तों, हमें अब मारना है, तो वो मार के खेलेगा तो दोस्तों विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो दोस्तों ये तीन थिंग मैंने आज आपको बताई हैं, एक तो पिच रिपोर्ट सबसे पहले हमको देखना है, और सेकंड थिंग हमें प्लेयर एनालिसिस करना है कि कौन सा राइट हैंडर है, कौन सा लेफ्ट हैंडर है, कौन से सामने वाली टीम में कितने ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं, लेग स्पिनर खेल रहे हैं, कितने फास्टर बॉल खेल रहे हैं दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ें दोस्तों मैंने बताई हैं आपको यहाँ पर वेदर रिपोर्ट, हमें तीन चीज़ों का दोस्तों एनालिसिस हमें करके रखना है अपनी टीम के लिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में हमें कुछ इस तरीके की टीम यूज़ करना है, जैसा मैंने बताया आपको पहले कि
ऐसे प्लेयर तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे पिच रिपोर्ट के हिसाब से। मान लीजिए स्पिन फ्रेंडली, तो हम पूरे स्पिनर्स भर लेंगे उसमें, भले ही सबने उनको लिया हो चाहे नहीं लिया हो, कोई हमें कोई मतलब नहीं है। दोस्तों देखिए कितने पैसे जाएंगे हमारे, मान लीजिए अगर हम हार भी गए तो हमारे 100 रुपये जाएंगे मान लीजिए एक ग्रैंड लीग में। बट दोस्तों अगर आप ये सोचिए अगर जीत गए तो हम कितना प्रॉफिट उससे कमा सकते हैं। और दोस्तों ऐसी टीमें ही हमेशा अक्सर जीतती हैं ग्रैंड लीग, आप देख सकते हैं उठा के। तो दोस्तों मैं जीत रहा हूँ डेली, मैं तो जीत रहा हूँ दोस्तों डेली, और मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप भी खेलिए और आप भी जीतिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको, मैंने जैसा बताया था आपको टेलीग्राम पे भी, कि दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हम जिसके लिए दोस्तों हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन के थ्रू। दोस्तों वीडियो में अगर कोई गलती है तो गलती भी ज़रूर बताएं। एंड दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली फ्री टाइम टीम पोस्ट करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड कराता हूँ। सब लोग जिसका पैसा लेते हैं मैं आपको वहाँ बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ दोस्तों। सो गाइस चैनल पर बने रहिए, हम लोग बड़ा धमाका करने वाले हैं। अभी PSL भी स्टार्ट हमारा हो जाएगा आई थिंक कल से। हाँ तो हम कल से दोस्तों PCL PSL में भी दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग में भी काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम आपको डेप्थ एनालिसिस करके वीडियो डेली दिया करेंगे और टीम्स दिया करेंगे दोस्तों। सो एक लाइक तो बनता है यार इस वीडियो के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।